हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है चेंजिंग फाइल एंड डायरेक्टरी परमिशन, जिसमें हम फाइल और डायरेक्टरी की परमिशन चेंज करना सीखेंगे। सबसे पहले chmod कमांड। इस कमांड की हेल्प से हम फाइल और डायरेक्टरी की परमिशन चेंज कर सकते हैं। परमिशन चेंज करने के लिए हम chmod कमांड के साथ सिंबल और न्यूमेरिक वैल्यू की हेल्प लेते हैं। टोटल 9 सिंबल होते हैं जो chmod के साथ हम यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले है R, इसका मतलब होता है रीड, W का मतलब राइट, X का मतलब एग्जीक्यूट। ये आपको पता होगा क्योंकि पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था। U का मतलब यूज़र, G का मतलब ग्रुप, O का मतलब अदर। प्लस का मतलब होता है कि हमें परमिशन ऐड करना है। माइनस का मतलब होता है कि हमें परमिशन हटाना है। इक्वल टू का मतलब होता है हमें यही परमिशन देनी है। अब मैं बताऊँगा न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ परमिशन। सबसे पहले है R, इसकी वैल्यू है 4। उसके बाद W, इसकी वैल्यू है 2। फिर आता है X, इसकी वैल्यू है 1। इसकी वैल्यू को हम एग्जांपल के द्वारा समझेंगे। यहाँ है मेरा फाइल 1, जो सबसे आगे होता है वो बताता है कि वो फाइल है या डायरेक्टरी। यहाँ पे हाइफन है, इसका मतलब है कि वो फाइल है। उसके बाद जो नेक्स्ट 3 है वो यूज़र के लिए परमिशन है, नेक्स्ट 3 ग्रुप के लिए परमिशन है, और लास्ट 3 अदर यूज़र के लिए परमिशन है। यूज़र के लिए परमिशन है आर डब्ल्यू हाइफन। आर की वैल्यू है 4, डब्ल्यू की वैल्यू होती है 2। यहाँ पे हाइफन है, इसका मतलब ये है कि यूज़र को एग्जीक्यूट करने की परमिशन नहीं है, तो उसके लिए वैल्यू है 0। इन तीनों को हम ऐड करेंगे, 4 प्लस 2 प्लस 0, टोटल हो गए 6 यूज़र के लिए। ग्रुप के लिए सिर्फ आर ही परमिशन है, आर की वैल्यू है 4, तो ग्रुप के लिए टोटल वैल्यू हो गई 4 प्लस 0 प्लस 0 इक्वल टू 4। अदर यूज़र के लिए भी सिर्फ आर ही परमिशन है, आर की वैल्यू है 4, तो अदर यूज़र के लिए टोटल वैल्यू हो गई 4। तो इसकी टोटल परमिशन वैल्यू हो गई 6 4 4। ये हमेशा यू गो की फॉर्मेट में ही रहते हैं। यू गो मतलब यूज़र, ग्रुप, अदर। अब मैं फाइल 2 के बारे में बताता हूँ। यूज़र के लिए परमिशन है आर डब्ल्यू एक्स। आर की वैल्यू 4, डब्ल्यू की वैल्यू 2, एक्स की वैल्यू 1। इन तीनों को सम करेंगे 7। यूज़र के लिए परमिशन वैल्यू है 7। ग्रुप के लिए परमिशन है आर डब्ल्यू हाइफन। इसकी टोटल वैल्यू हो गई 4 प्लस 2 प्लस 0 इक्वल टू 6। अदर के लिए परमिशन है सिर्फ आर, इसकी टोटल वैल्यू हो गई 4, तो टोटल परमिशन वैल्यू हो गई 7 6 4। 7 यूज़र के लिए, 6 ग्रुप के लिए, 4 अदर के लिए। अब मैं फाइल 3 के बारे में बताता हूँ। यूज़र के लिए परमिशन है आर डब्ल्यू एक्स। टोटल वैल्यू यूज़र के लिए हो गई 7, 4 प्लस 2 प्लस 1 इक्वल टू 7। ग्रुप के लिए सिर्फ एक्स परमिशन है, तो टोटल वैल्यू है 1 ग्रुप के लिए। अदर के लिए सिर्फ डब्ल्यू परमिशन है, तो टोटल वैल्यू है 2 अदर के लिए। तो टोटल परमिशन वैल्यू हो गई 7 1 2। 7 यूज़र के लिए, 1 ग्रुप के लिए, 2 अदर के लिए। थ्योरी पार्ट में सिर्फ इतना ही, प्रैक्टिकल पार्ट में आपका स्वागत है। अब मैं बताऊंगा कि न्यूमेरिकल वैल्यू की हेल्प से हम परमिशन को कैसे चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे ls-l कमांड रन करूँगा। यहाँ पे आपको फाइलें और उनकी परमिशन दिख रही होंगी। एक और बात, जिस यूज़र ने फाइल को क्रिएट किया है सिर्फ वही यूज़र और सुपर यूज़र उस फाइल की परमिशन को चेंज कर सकता है। उसके अलावा कोई और यूज़र उसकी परमिशन को चेंज नहीं कर सकता। एग्जांपल, जैसे यहाँ पे फाइल 3 है, इसको क्रिएट किया नो नाइट ने, तो नो नाइट और सुपर यूज़र इस फाइल की परमिशन को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ओल फाइल है, इसको क्रिएट किया रूट यूज़र ने, तो सिर्फ रूट यूज़र ही जो होता है इसकी परमिशन को चेंज कर सकता है, कोई और नहीं। तो ये बात याद रखना। अब जो होता है, फाइल 3 की परमिशन को चेंज करूँगा। मैं चाहता हूँ कि यूज़र को परमिशन जाए रीड राइट की, ग्रुप को भी परमिशन जाए रीड राइट की, और अदर को परमिशन जाए सिर्फ रीड की। तो इसकी वैल्यू हो गई 6 6 4। तो chmod 6 6 4, देन फाइल नेम, एंटर। यहाँ पे मैं ls-l करूँगा, एंटर। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, जो फाइल 3 है उसमें यूज़र को परमिशन गई है रीड राइट की, ग्रुप को परमिशन गई है रीड राइट की, और अदर को परमिशन गई है रीड की।
अब जैसे यहाँ पे मेरा ग्रुप नन है, मैं चाहता हूँ इसका जो यूज़र है वो इसको रीड कर सके, इसका जो यूज़र है इसको रीड कर सके, और बाकी दोनों यूज़र कुछ ना करें, ना ही रीड कर पाए, ना ही राइट, ना ही एग्जीक्यूट। तो इसके लिए जो होती है वैल्यू होगी यूज़र के लिए 4, ग्रुप के लिए 0, अदर के लिए 0। तो सी एच मोड 400 ग्रुप नन एंटर ls-l एंटर। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, जो मेरा ग्रुप नन है उसके लिए यूज़र को परमिशन गई है रीड की, ग्रुप के लिए कुछ भी परमिशन नहीं है, और अदर के लिए जो था कुछ भी परमिशन नहीं है। अब जैसे यहाँ पे रन फाइल डॉट sh है, मैं चाहता हूँ इसका जो यूज़र है वो इसको रीड भी कर सके, राइट भी कर सके, एग्जीक्यूट कर सके, और बाकी जो यूज़र है वो इसमें सिर्फ राइट कर सके और कुछ नहीं कर सके। मतलब जो यूज़र है वो रीड राइट एग्जीक्यूट कर सके, जो ग्रुप में है वो सिर्फ इसको राइट कर सके, और जो अदर है वो भी इसको राइट कर सके। तो इसकी वैल्यू होगी 7, इसकी वैल्यू होगी 2, इसकी वैल्यू होगी 2। तो ch mod 7 2 2 एंड देन फाइल नेम रन फाइल एंटर ls-l एंटर। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो रीड राइट एग्जीक्यूट, सिर्फ राइट राइट की परमिशन है और सिर्फ राइट की परमिशन है। अब जैसे यहाँ पे मेरा फाइल वन है, इसका यूज़र है नन वन, अगर मैं इस वाले फाइल में मॉडिफिकेशन करने की कोशिश करता हूँ तो ये जो होता है मुझे परमिशन डिनाइड देगा। अब मैं वो आपको शो करके दिखाता हूँ, ch mod लाइक 444 फाइल वन एंटर। यहाँ पर आप देख सकते हो चेंजिंग परमिशन ऑफ फाइल वन ऑपरेशन नॉट परमिटेड। क्यों, ये इसीलिए हुआ है क्योंकि जो मेरा फाइल वन है वो उसका यूज़र है नन वन, तो नन वन ही जो होता है इसकी परमिशन को चेंज कर सकता है, वरना सुपर यूज़र इसकी परमिशन को चेंज कर सकता है। तो मैं से एग्जिट हो जाता हूँ। अब मैं कौन हूँ, हुआ एम आई, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो रूट, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ ls-l। अब मैं फाइल वन की परमिशन को चेंज करूँगा एज अ सुपर यूज़र, मैं चाहता हूँ जो मेरा यूज़र है वो इसको रीड कर सके, बाकी जो बंदे वो कुछ ना करें। तो इसकी वैल्यू होगी 400, तो ch mod 400 फाइल वन एंटर ls-l एंटर। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो जो मेरा यूज़र है वो इसको रीड कर सकता है, बाकी दोनों यूज़र मतलब ग्रुप और अदर कुछ नहीं कर सकते। तो फर्स्ट पार्ट में इतना ही, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो।